तो इतनी अच्छी जगह जो है हमें रास्ते में मिली, तो हमने सोचा हम यहाँ पे उतर के फोटो क्लिक करा लेते हैं। सुबह के 3:50 हो रहे हैं और हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए वाराणसी। जाने का प्लान तो हमारा सिर्फ 4 दिन का है, बट सामान हमारे पास ऐसा लग रहा है कि जैसे हम 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं। हमने डिसाइड किया था कि हम मॉर्निंग 4 बजे तक हर हालत में निकल लेंगे और हम बिल्कुल टाइम पे हैं। 3:55 हो रहा है, हमारा सारा सामान गाड़ी में आ गया और 4 बजे तक एज़ वी प्लान्ड हम निकल भी चुके हैं। ये पहली बार हम जो है वो कोलकाता टू वाराणसी बाई रोड जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या टोल आएंगे, रोड कैसी हैं, ये आप इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से देखेंगे और समझ भी पाएंगे कि अगर आपको कभी भी वाराणसी से कोलकाता या लॉन्ग जर्नी करनी है तो ये एक्सपीरियंस होता कैसे है। हमने सुबह इसीलिए प्लान किया था ताकि सुबह निकले हम तो हमें ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। गूगल पे जो मैंने सर्च किया था कोलकाता टू वाराणसी टाइम कितना लगता है, तो गूगल पे आया 14 घंटे 52 मिनट 676 किलोमीटर। और ना मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी, इतना लंबा सफ़र कैसे तय होगा, बट आदि ने बोला कि नहीं हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पहुंचा दूंगा मैं। 7:30 बज चुका है, वर्धमान बीत गया है। आगे जो हमारी रोड है वो यूपी होते हुए हम बिहार यूपी होते हुए जाएंगे, रास्ते में झारखंड भी पड़ता है। काशवी आराम से सो रही थी, हम भी निश्चिंत थे कि काशवी जब तक सो रही हम ज़्यादा से ज़्यादा रूट जो है वो तय कर लें, क्योंकि वो एक बार उठेगी तो उसके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, हम कब पहुँचेंगे। धनबाद झारखंड में पड़ता है और हम 273 किलोमीटर आ चुके हैं। स्पीड हमने बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है, हमने क्या आधी ड्राइव करें, दोनों ने बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन की है। सुबह निकलने का एडवांटेज हमें मिला है, जनरली कोलकाता टू धनबाद जो है वो 6 घंटे लगते हैं, बट हम ऑलमोस्ट 5 घंटे में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो होपफुली हमारा जो सफ़र है वो इतना लंबा नहीं होने वाला है जितना मैंने गूगल पे देखा था, हम जल्दी पहुंचेंगे। यहाँ की रोड बहुत ही अच्छी है, 6 लेन रोड आ चुकी है, यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है। अभी जो है वो 9 बज रहा है। यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे बहुत सारे माउंटेन मेरे पीछे दिख रहे हैं, अभी भी बहुत लंबा सफ़र है तो वेस्ट नहीं करते, टाइम चले जाते हैं। ये हमारा 5वां टोल आ चुका है। जब बहुत लंबी जर्नी होती है तो आप कितना फ़ोन देखोगे, तो हम अपना बहुत सा टाइम पास ना ऐसे भी करते हैं, कौन से ट्रक जो है वो कौन से स्टेट का है, उस पे नंबर क्या है, कोटेशन क्या लिखी है, जैसे इस वाले ट्रक पे आप देख सकते हो क्या लिखा है। सोच कर सोचो साथ किया जाएगा, क्या बात है यार। रास्ते में हमने एक हॉल्ट लिया, वहाँ पे इडली सांभर खाया, वहाँ पे मुझे फ्रेश भी होना था तो हम थोड़ा वहाँ पे फ्रेशन अप हो गए, 5-10 मिनट का ब्रेक भी ले लिया। हम आ चुके हैं चौपारण में, यहाँ पे बहुत सारी शॉप हमने देखी खीर मोहन की, जो कि वो कुल्हड़ में खिलाते हैं। हमने सोचा हम भी क्यों ना ट्राई करें, तो एक हमने भी ट्राई किया और फिर पैक भी करा लिया। तीन बज चुके हैं, अभी तक हमने रास्ते में सिर्फ 3 हॉट लिया, एक जगह हमने इडली सांभर खाया, एक जगह हमने खीर मोहन पैक कराया और एक जगह हम वॉशरूम के लिए रुके और फोटोज़ भी क्लिक कराई। बाकी हम नॉनस्टॉप चल रहे हैं, 20 मिनट हमारा जो है वो टोटल ब्रेक का जो है वो गया होगा। यहाँ पे रोड्स काफ़ी अच्छी हैं, अब शाम हो चुकी है, गाड़ी चला रहा था कि नहीं गंगा जी दिख चुकी है हमें बनारस की और हम पहुंच चुके हैं बनारस। 3:50
और हम घर भी पहुंचने वाले हैं। ये जो है हमारे घर के बाहर वाली गली आदि को बनारस की हर एक गली पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गलियां होती हैं ना वो बनारस में ही होती हैं। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन वाराणसी, और वाराणसी में सुंदरपुर में हमारा घर है। तो 4 बजे हम इतनी ट्रैफिक में होते हुए अपने घर भी पहुंचने वाले हैं। तो हमारा जो ये पूरी जर्नी रही वो रही 12 घंटे की। मॉर्निंग 4 बजे निकले थे, शाम को 4 बजे पहुंचे। टोटल हमें जो टोल मिले वो 10 टोल मिले, और टोटल जो टोल की कॉस्ट आई वो 420 से 450 के बीच में ही रही होगी। हमारा पेट्रोल जो है वो 40 लीटर तेल लगा है, तो 100 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये हमारा टोटल तेल लगा। तो यानी 4000 रुपये में हम कोलकाता टू वाराणसी आ गए, और वो भी इतने सारे लगेज के साथ जो कि प्लेन में पॉसिबल नहीं। तो ट्रेन में कितना टाइम जाता है, तो 12 घंटे में वी आर इन वाराणसी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।